नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैं छो, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों भाइयों। आज आपको एक इंफॉर्मेशन देना है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, और आप ही लोग डिसाइड करोगे कि भाई इस चीज में कितना सच्चाई है और कितना। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि भाई डंकी मूवी का अभी से मतलब डंकी ड्रॉप 1 2 3 4 5 टेलर वगैरह सॉन्ग आ चुके हैं, 3 सॉन्ग टेलर आ चुका है, टेजर आ चुका है, और डंकी का हाइप 0 पत्ता गुल बट्टी अंडा कुछ भी नहीं है डंकी का। ठीक है, हाइप के नाम पे। तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया जा रहा है, जैसे कि मैं 4 दिन पहले देखा था कि कहीं से एक बंदे ने माने मतलब एसआर के फैंस के खिलाफ, या क्या नाम था उसका पता नहीं, तो अभी मैं बता रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो आप, कि डंकी का फर्स्ट रिव्यू आ चुका है। मतलब ओवरसीज में डंकी कोई ना कोई देख चुका है और उसने डंकी का रिव्यू दिया है अपना, और बताया जा रहा है कि डंकी मास्टरपीस है, ये है वो है वगैरह वगैरह फलाना ढिमका जो भी है क्या है। ठीक है, डंकी जैसा मूवी नहीं बने ऐसे मतलब रिव्यू आए हैं। और मैंने उस दिन देख के मैंने चलो हटा दो, जिसको जो करना है कर लो। फिर मैं आज ट्विटर पे गया और मैं देखा कि काफी सारे फैंस क्लब के द्वारा, पेजेस से द्वारा, अकाउंट से, ठीक है, ये बात को फैलाया जा रहा है कि डंकी का रिव्यू आ चुका है, डंकी मास्टरपीस है, सुपरहिट, धमाल, लाजवाब, केएल राहुल है। तो मैं आपको आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई 21 दिसंबर को डंकी रिलीज होने वाला है, आज डेट क्या है? हाँ, आज डेट कौन सा है? 11-12 होगा। ठीक है, तो अभी भी मान के चलो कि 1 वीक अभी भी बाकी है। ठीक है, 7-8 दिन बाकी है। तो भाई कोई 7-8 दिन पहले कोई कैसे मूवी देख लेते हैं, ये हमको जरा बता दो, क्योंकि भाई हमें भी देखना है, आप अकेले थोड़ी देखोगे, हमको भी देखना है। और 7-8 दिन बाद, क्योंकि देखो भाई इनको पता है कि सलार के सामने डंकी का 0 हाइप है, हाइप कुछ भी नहीं डंकी का। एक तरफ आप बुक माई शो में जाके देख सकते हो, इसका इंटरेस्ट बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, और इधर भाई एडवांस बुकिंग में सलार का और डंकी का आप देख ही सकते हो क्या चल रहा है। तो इधर डंकी मतलब बहुत से एसआर के फैंस भी ऐसे मतलब अपने आप में भाई मान रहे हैं कि भाई डंकी का कोई हाइप नहीं है, तो क्या करे, ऐसा ट्रेंड चलाया जाए। और इनको, इन मोबाइल चोरों को क्या पता कि भाई रिव्यूज जो आते हैं वो मूवी के एक दिन पहले आते हैं, शायद मूवी किसी बाहर ओवरसीज में प्रीमियर किया जाता है, वहां से रिव्यू आता है। इन लोगों ने क्या किया, 7-8 दिन पहले मतलब रिव्यू दे दिया। भाई पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, मोबाइल चोर पे ध्यान दोगे, मोबाइल चोरी पे, तो भाई ऐसा ही होगा, समझ लो बात। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम जो करना है तुम करो, लेकिन इतना तुम समझ लो कि अब नहीं पढ़ने वाला। तुम कॉरपोरेट बुकिंग करो, कुछ भी कर लो, अभी कॉरपोरेट मार्केटिंग चल रहा है, कॉरपोरेट हाइपिंग चल रहा है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे भी कॉरपोरेट करने में मतलब चूके नहीं हो, तो आप ही लोग बता दो कि भाई इन इन चीज में से फैक्ट की बात बोल रहा हो, भाई कितना परसेंट सच्चाई है? क्या 7-8 दिन पहले रिव्यूज जो आए हैं क्या सच है? अब फिर कमेंट्स में कुछ नल्ले आएगा, ये वो वगैरह वगैरह लिखेगा, लिखने तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अपन तुमको बोलेगा, तुम भी अपन को बोलोगे, तो भाई ऐसा चलता ही रहेगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो तुम भाई, तुमको पता है कि डंकी जाने वाला है, क्योंकि सलार का कल एक गाना आया और गाने भाई गाने बयां कर दी। ठीक है, मूवी का गाने ने बहुत कुछ बोल दी उस मूवी में। KGF का एक गाना था, सामने फौज है फिर भी इम्तिहानी की है घड़ी। ठीक है, तो भाई ऐसा ना करो, लोग इतना भी बेवकूफ नहीं है कि 7-8 दिन पहले मूवी का रिव्यू हो जाता है। ठीक है, हाँ ये अलग बात है, अपन थिएटर नहीं जाएगा, मूवी देख के रिव्यू भी कर देंगे 12 बजे में, तो वो बात अलग है। तो तुम इतना ना करो, थोड़ा पढ़ लिख लो, ज्ञान लो कि क्या मूवी क्या, अगर रिलीज डेट से पहले रिलीज होता है तो कितने दिन पहले होता है, कहाँ पे होता है, प्रीमियर कहाँ पे लगता है, कैसे वहां से रिव्यूज आते हैं, उस पे रिसर्च करो, फिर अपना रिव्यूज दो। 7-8 दिन पहले भाई कोई बेवकूफी होगा तो भाई ये चीज को फैला रहे हो, अब फैलाओ, कुछ भी करो, 0 पत्ते गुल तुम्हारा हाथ लगने वाला है। ठीक है, इतना तुम मान के चलो, समझ लो, कॉरपोरेट मार्केटिंग, कॉरपोरेट बुकिंग, अब कॉरपोरेट हाइपिंग, कॉरपोरेट सोशल मीडिया पोस्टिंग कितना कॉर्पोरेट करोगे तुम लोग? हाँ, इतना इतना करोगे? एक नेगेटिव रिव्यू आया था, पूजा ददलानी, शाहरुख खान की पीआर मैनेजर, ठीक है, तो उसने
उसका वीडियो डिलीट करवा के फिर पॉजिटिव रिव्यू वाला वीडियो डलवाया यूट्यूब पे, जिसका सबूत मैंने दिया है आपको अपने वीडियो में, पूरा प्रूफ दिखा के, वीडियो दिखा के, बात करके मैंने बोल दिया, ठीक है। अगर आप लोग देखे नहीं तो जाके देख सकते हो। तो चलो बस आप लोग ही बोलो कि भाई इसमें कितना परसेंट की सच्चाई है, कितना परसेंट झूठ है, आप लोग डिसाइड करो, ठीक है। मेरे लिए, मेरे पे अगर बात करोगे, मेरे पे अगर छोड़ोगे, तो मुझे कहने को बोलोगे तो भाई मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई 1000% झूठा फेक न्यूज है। इस फेक न्यूज पे ध्यान मत दो। जब मूवी आएगा, लोगों का रिव्यू आएगा, ऑडियंस बाहर आएगा, पब्लिक रिएक्शन होगा, तब पता चलेगा कि भाई यहाँ क्या बना है मूवी, ठीक है। अभी इन सब रिव्यूज रिएक्शन पर कोई भाई ध्यान नहीं है, कोई मतलब वैल्यू भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा ना करो। अगर तुमको करना है कॉर्पोरेट, हाँ तुम कर सकते हो, क्योंकि भाई तुम्हारा तो चलता है तुम्हारे में, ठीक है। तो चलो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आपका क्या राय है इस बारे में, कितना परसेंट सच्चाई है, कितना परसेंट झूठ है, आप ही बताओ। फिलहाल वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय सलमान भाई।